नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। विद्यानगर निवासी बीएसएफ के जवान के घर के आसपास तीन और लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों में एक 11 वर्ष का लड़का है और दूसरी 15 साल की लड़की है और इसके अलावा एक 42 वर्षीय व्यक्ति भी शामिल है। तीनों को सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया गया है। भिवानी के करोमा के नोडल अधिकारी राजेश ने बताया कि विद्यानगर के 40 सैंपल लिए गए थे जिनमें से 24 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इनमें से तीन लोगों को भिवानी के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया गया है। तीनों ही व्यक्तियों के पॉजिटिव मिलने के बाद राजेश ने बताया कि सतीश कुमार अपनी पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली गया था और 19 तारीख को वह अपनी पत्नी से मिलकर भिवानी आया था। उसकी पत्नी के सैंपल लेने के लिए दिल्ली प्रशासन को भी लिखा गया है। वहीं पुलिस ने विद्यानगर का सारा इलाका पूरी तरह से सील कर दिया है। पलपल भिवानी से अमन शर्मा के साथ देवेंद्र सांगमान की रिपोर्ट। पुलिस की द्वारा क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सील करने की बात ज्यादातर सामने आ रही है। अभी जो तीन कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ रही है कि इनको कोरोना पॉजिटिव है, इनको श्री भगवान इंस्पेक्टर की टीम मौके पर हाजिर आई है और मैं भी हाजिर हूँ। सिटी इंडस्ट्रियल एरिया जो विद्यानगर का एरिया है, जो तीनों को अभी ही जस्ट लेके गए हैं क्वारंटाइन करने के लिए, जो ये एरिया अभी सील करवाऊंगा और इधर से ये रहो उधर से ये रहो दोनों सील करवाऊंगा और कोठी के ऊपर भी। सर कितने मीटर तक जो है वो सील किया जाएगा? कम से कम भी 400-500 मीटर। क्या सर व्यवस्था की है, कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉजिटिव हैं? मैं 7 तारीख को 50 लोगों के सैंपल ईटानगर से लिए थे जिनमें 3 लोगों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। एक जेवीटी टीचर हैं सतीश कुमार, उनके बेटा तरुण और उनकी बेटी खुशी, उनके सैंपल पॉजिटिव। सर इनका संबंध कहाँ बताया गया? इनका संबंध ये तुरंत नकार रहे हैं कि बीएसएफ जवान से कभी नहीं मिले। इनकी खुद वाइफ दिल्ली में रहती है तो इन्होंने सिर्फ यही बताया कि मैं 19 तारीख को दिल्ली से वापस आया। सर जो दिल्ली से इनकी वाइफ है, क्या उनके भी सैंपलिंग ली गई? जो दिल्ली में है वो दिल्ली में रहते हैं। हमारी टीमें हमने लगा दी है, सारा स्क्रीनिंग अभी जारी है, कल तक सारी प्रक्रिया होगी। हमारे तीन पॉजिटिव केसेस आने के बाद भिवानी रेड जोन में दोबारा से आ गया है और हमारा कंटेनमेंट जोन विद्यानगर को हमने बनाया है, उसी में हम सैंपलिंग करवा रहे हैं। एज पर SOP हम 60-70 की RT-PCR सैंपलिंग अभी करवा रहे हैं। तो लोगों को क्या कह रहे थे, क्योंकि काफी लोग जो है रेड जोन से आ रहे हैं, ये व्यक्ति भी किस प्रकार से बचाया जा रहे थे 24 घंटे, और इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम जो भी उचित कार्रवाई होगी वही करेंगे। सर जो तीन व्यक्ति जो पॉजिटिव पाए गए उनके हालात कैसे, क्या स्थिति बनी है? उनके हालात अभी भी स्थिर बने हुए हैं, अभी उनका इलाज जारी है, हमारे जो फिजिशियन है वो उनको ट्रीट कर रहे हैं। सर ये जानकारी मिली कि स्वास्थ्य विभाग जिन लोगों को उनसे मुलाकात हुई है उन लोगों को भी जांच करेगा? बिल्कुल, हमने जो जो कल उन्होंने हमारे कुछ भी नहीं बताया था, हमने उनके मिल्क मैन को अभी एक बार के पास भी शेव करवाने गया, उसकी भी सैंपलिंग करवा रहे हैं, और जहाँ पे अपने बच्चे को 6 और 8 तारीख को भी एक एंटी सर्जन के पास चेकअप करवाया, उनकी भी हम सैंपलिंग करवा रहे हैं।